यस मैम आपके मैम आप म्यूट मैम आप अनम्यूट है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है यस मैम आ रही है अब मेरी आवाज आएगी लिसन चिल्ड्रन जस्ट आई एम गोइंग टू से यू दैट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देर आर सो मेनी स्टेप्स तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन तो इंजेशन का मतलब होता है खाना लेना इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड तो टेकिंग फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन हाँ तो ह्यूमन बीइंग टेक फूड एंड च्यू द फूड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन जैसे हम खाना ले लिए तो खाना का क्या होगा डाइजेशन होगा हाँ तो डाइजेशन क्या होता है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्सन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है देन इट इज कॉल्ड एज डाइजेशन तो सेकेंड स्टेप इज द डाइजेशन एंड चिल्ड्रन आवर डाइजेशन इज स्टार्टेड आवर डाइजेशन लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहे तो हाँ कर सकते हो आवर डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर माउथ हमारे माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड आवर डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हमारा डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जो भी हमारा फूड डाइजेस्टेड हुआ जो भी फूड हमारा डाइजेस्टेड हुआ वह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वह बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है देन इट इज कॉल्ड एज डाइजेशन थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन अब क्या है द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन फोर्थ स्टेप इज द एसिमिलेशन अब एसिमिलेशन क्या है देखिए एसिमिलेशन क्या है द एब्जॉर्ब्ड फूड एक मिनट एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन मतलब एसिमिलेशन का मतलब होता है जैसे हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद यह बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है तो बॉडी के डिफरेंट भागों में जाना ही कहलाता है एसिमिलेशन तो बॉडी के डिफरेंट भागों में जाने के लिए क्या जरूरी है यस बॉडी के डिफरेंट भागों में ये हमारा डाइजेस्टेड फूड का खाना जाना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे एक एक सेल को हमारे एक एक टिश्यूज को क्या चाहिए खाना चाहिए देन हाउ इट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ दिस डाइजेस्टिव फूड इसी डाइजेस्टिव फूड के द्वारा होता है द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन नेक्स्ट इज इजेशन अब इजेशन क्या है जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकिन जो खाना अनवांटेड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर बना उसको टाइम टू टाइम बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है तो टाइम टू टाइम वह बाहर कैसे निकले तो टाइम टू टाइम उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इजेशन तो देखिए बेटे बच्चे क्या करते हैं कि इंजेशन और इजेशन में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है तो इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन बट इजेशन क्या है द इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज इजेशन तो इलिमिनेशन ऑफ क्या तो अनडाइजेस्टेड फूड जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ जो फूड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर है
उसको बाहर निकालना ही कहलाता है इजेशन, उसको हम कहते हैं इजेशन। ओके तो आइए मैम। हाँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैम कहना है आंसर एसिमिलेशन एंड इजेशन। हु आर यू? आदित्य राज। यस मैम। से से व्हाट डू यू मीन बाय इजेशन? से यस मैम द elimination of the elimination of under undigested food from the alimentary canal is known as egestion. Yes, the elimination of undigested food. So undigested food ko hamare body se nikalna hi kehlata hai egestion. Very good answer. Ma'am, main bolu Sakshi Kumari. Ma'am, can I answer assimilation? अब आदित्य राज नहीं बोलेगा, मैं दूसरे को चांस दूंगी। साक्षी कुमारी एक्सप्लेन एसिमिलेशन। द अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। यस ओके वेरी गुड। सौम्या श्रेया व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? मैम मैं क्या है एसिमिलेशन? मैम क्या सारे बच्चे आंसर नहीं दो एट अ टाइम, नॉट से द आंसर एट अ टाइम ऑल द स्टूडेंट्स। ओके देन अगेन आई एम गोइंग टू से अबाउट द व्हाट डू मीन। शैली तिवारी व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? शैली तिवारी अभी एक मिनट, नहीं शैली तिवारी। आर्यन कुमार से व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? आर्यन कुमार व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? प्रोसेस ऑफ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगेन से एब्जॉर्प्शन and the process of passing of digested food into blood vessels in the small intestine. Yes ma'am. Yes yes it's called. Can I say this answer again? Say Aditya Raj, say answer. Absorption. Yes ma'am. Say ma'am, the digestion of food absorbed by the walls of the small intestine where it get passed on to the blood. Yes, it's called absorption. Yes, very good answer. Now, you children, next time. The alimentary canal is made up of so many body small organs. Hamara jo alimentary canal hai, this alimentary canal is made up of so many parts. Jaise number one, buccal cavity. Second, food pipe. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine. Next, rectum. And last is the anus. तो ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? तो ये सारे मिल करके हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अबाउट द बकल कैविटी, अबाउट द फूड पाइप, अबाउट द स्टमक, अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके तो चिल्ड्रेन वन थिंग आई एम गोइंग टू से अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विथ दीज एसोसिएट ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरऑल एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम केवल एक ऑर्गन्स के मिलने से नहीं बनता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है बाय द हेल्प ऑफ सो मेनी ऑर्गन्स। ओके तो वी कैन डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज ऑर्गन्स। जैसे पहला आपका है माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी, तो अब माउथ में क्या होता है? तो इन आवर माउथ सम टीथ्स आर प्रेजेंट। हाँ
in our mouth tongue is present, teeth is present, salivary gland is present, or saliva is present. All these things help in the digestion of food. ये क्या है? ये सब मिलकर के food के digestion में help करता है. Okay. So one by one we will discuss about the different parts of this digestive system. जैसे children, one thing I am going to say you that जैसे saliva. हमारे माउथ या बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? हमारे माउथ से एक प्रकार का डाइजेस्टिव सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कहते हैं स्लाइभा. ये स्लाइभा भी डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, तो दिस स्लाइभा हेल्प्स टू कट कर दें. Hello children. Yes, ma'am. Okay. So this saliva is present in our mouth. ये हमारे mouth में ये saliva present होते हैं. ये saliva क्या करते हैं? First, it help to moist the chewing food. जो भी food को हम chew किए चबाए, उसको पहले क्या करता है? Moist करता है. और moist होने के बाद फिर हमारे एक फूड पाइप के द्वारा वह आगे की तरफ यह बढ़ता है. तो चिल्ड्रन, हियर स्लाइभा कन्वर्ट. ये स्लाइभा जो है, सम स्टार्चिल लाइक सब्सटेंस आर प्रेजेंट. अब कहोगे स्टार्च क्या है? जब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जम जाता है तब हम उसको कहते हैं स्टार्च. तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? वह स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. कौन कन्वर्ट करता है? या स्लाइबा कन्वर्ट करता है. सो स्लाइबा टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज. समझ में आ गई? समझ में आया? तो देयर इज एन एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 में कुछ एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आप घर में करके देखोगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिविटी नहीं हो पाती है. अभी आप घर में हो, यू हैव एनफ टाइम, तो आप इस एक्टिविटी को करोगे. समझ गए? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर जब भी मिले, देखो आप कौन टीचर्स क्या लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टीच. ओके चिल्ड्रन, चलो थैंक यू चिल्ड्रन. थैंक यू मैम. थैंक यू.